Assalamualaikum Park Wheelers. मेरा नाम है सुनील मंच और मैं PakWheels Weekly के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. याद रहे PakWheels पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप गाड़ियाँ बाइक्स या उनसे रिलेटेड ऑटो पार्ट्स खरीद और बेच सकते हैं. आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो ऑक्शन शीट के बारे में. ऑक्शन शीट बेसिकली क्या होती है और हमें उसमें क्या चीज़ देखनी है तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं. बेसिकली हम लोग जो गाड़ी जापान से इम्पोर्ट करते हैं, जापान में क्योंकि फासले बहुत ज़्यादा है और उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है, डिफरेंट ऑक्शन हाउसेज हैं, तो आप कहीं बैठ के भी अगर गाड़ी खरीद रहे हैं तो जो उसकी ऑक्शन शीट होती है वो बेसिकली समझ लें आम इंसान का एक्सरे होता है या आपकी अकाउंट स्टेटमेंट होती है ना, उस तरह वो गाड़ी की ऑक्शन शीट है जो गाड़ी की कंडीशन को उस दिन बता रही है जिस दिन गाड़ी की ऑक्शन हुई है. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि एक तो जब हम गाड़ी खरीद रहे होते हैं, गाड़ी ऑक्शन के बाद जापानीज पोर्ट पे जाती है, पोर्ट के बाद पाकिस्तानी पोर्ट पे आती है, पाकिस्तानी पोर्ट के बाद वहाँ से जो आपके पास डिफरेंट फ्रेट फॉरवर्डर हैं जो गाड़ियाँ लेके आते हैं, कोई बॉन्डेड कैरियर बुलाता है, कोई ओपन कैरियर पे गाड़ी मंगा लेता है, और उसके बाद वो गाड़ी मार्केट में पहुँचती है और मार्केट में पहुँचने के बाद फिर आपको और मुझे सेल के लिए पेश की जाती है. तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हैं. पहली कन्फ्यूजन हमें ये क्लियर करनी चाहिए कि ऑक्शन शीट जो है वो एक स्नैपशॉट है, यानी इस तरह अगर आज मेरी आप अकाउंट की स्टेटमेंट लेंगे तो वो आज बताएगा कि इस अकाउंट की क्या स्टेटमेंट है और उसमें इस वक्त क्या मौजूद है. सिमिलरली अगर आज आप किसी इंसान का एक्सरे कराते हैं तो वो एक्सरे उस टाइम के लिए है, ये नहीं हो सकता कि आप एक महीने बाद कहें कि महीने पहले मैंने एक्सरे कराया था तो उसकी यही कंडीशन रहेगी. सिमिलरली गाड़ी की जो ऑक्शन शीट होती है उसकी भी जो अगर हम देखें ना वैलिडिटी इज, जब आप गाड़ी खरीद रहे होते हैं वो सिर्फ उस वक्त तक वैलिड है, उसके बाद वो गाड़ी वहाँ से जापान पोर्ट पे जा रही है, पोर्ट के बाद शिपिंग पे आती है, शिपिंग के बाद पाकिस्तानी पोर्ट पे आती है, और उसमें इतने ज़्यादा मराहल हैं कि उस गाड़ी जब आप एक्चुअली गाड़ी लेने जा रहे होते हैं और गाड़ी जब ऑक्शन हुई होती है उसकी कंडीशन में बहुत ज़्यादा फर्क हो सकता है. सो हमें ऑक्शन शीट को समझने के लिए सबसे पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऑक्शन शीट में जो ग्रेड होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक गाड़ी का इंटीरियर ग्रेड है, एक गाड़ी का एक्सटीरियर ग्रेड है. एक्सटीरियर ग्रेड जो है वो एस ग्रेड से शुरू होकर जिसको आप शिंका ग्रेड बोलते हैं जापानीज़ में, जो जीरो मीटर गाड़ी तकरीबन होती है उसके लिए होता है, और जाता है फिर 5.5, 5, 4.5, 4, 3.5 इस तरह बतदरीज नीचे आता रहता है. इसी तरह इंटीरियर में ए बी सी डिफरेंट ग्रेड्स हैं. अब हमें ये बात समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि जो डिफरेंट ऑक्शन हाउसेज हैं उनके क्राइटेरिया ऑफ ग्रेडिंग जो डिफरेंट है, कोई ज़्यादा सख्त हैं, कोई ज़रा थोड़े लीनियंट हैं, बट ओवरऑल अगर हम देखें जो एक अगर हम अक्रॉस द बोर्ड देखें तो जो टर्मिनोलॉजी जो हम एक्सप्लेन करते हैं ऑक्शन शीट को वो अक्रॉस द बोर्ड सेम है. सो एक तो मैंने आपको बता दिया कि एस 5.5 4 इस तरह आ रहा है नीचे, दूसरी तरफ इंटीरियर ए बी सी आ रहा है. इसके अलावा जो ज़्यादातर हमारे यहाँ मार्केट में गाड़ियाँ आती हैं जिनको लोग कहते हैं जी एक्सीडेंटेड गाड़ियाँ हैं, आपने दिगर फेसबुक पर वीडियोज़ भी देखी हैं, तस्वीरें भी देखी हैं, इस वीडियो में भी आपको दिखाते रहेंगे किस कंडीशन में गाड़ियाँ आती हैं. सो उसमें दो किस्म की गाड़ियाँ हैं, एक होती है आर ग्रेड जिसको रिपेयर कार बोलते हैं, और वो मेरे हमेशा मैं हर किसी को मशवरा देता हूँ दैट इज़ गुड टू ड्राइव, बट उसमें कोई ना कोई चीज़ पार्ट रिप्लेस हुआ होता है जिसको डबल एक्स साइन लगा होता है हिस्से के ऊपर. अगर आप ऑक्शन शीट देख रहे हैं और उसमें कहीं डबल एक्स लगा हुआ है उसके ऊपर, तो उसका मतलब ये है कि वो पार्ट जो है दो दफ़ा क्रॉस जहाँ पे लगा है वो पार्ट रिप्लेस हुआ है. अगर सिंगल एक्स लगा है सिमिलरली तो वो पार्ट रिप्लेसमेंट की उसको ज़रूरत है. इस तरह हर ऑक्शन शीट के अंदर A1, A2, U1, U2 बहुत लंबी ग्लॉसरी है जो कि हम इसके अंदर लिंक भी अटैच कर देंगे. PakWheels के फोरम के ऊपर हमने इसको ब्लॉग लिखा हुआ है और हर ऑक्शन शीट के अंदर वो जो आपको ग्लॉसरी दी गई है आप उसको देख के बड़े आराम से डिकोड कर सकते हैं कि A1 स्क्रैच कितना छोटा होता है, U1 कितना छोटा होता है, W1 कितना होता है, कोई रिपेयर ट्रेस होता है, कहीं आपको जो है रस्ट के साइन है. बट ऑक्शन शीट जो है ना वो आपको गाड़ी के बारे में ट्रू डिपिक्शन देती है. सो अगर आपकी गाड़ी के अंदर हेयर लाइन भी है ना, हेयर लाइन जिसे कहते हैं बाल जितना निशान भी है, तो वो आपकी ऑक्शन शीट मिस नहीं करेगी. सो अगर आपको कोई बात कहता है कि जी ऑक्शन शीट में हमने गाड़ी ली और वो गलत निकल आई, तो वो सरासर झूठ है, बिकॉज ऑक्शन शीट इज़ अ ट्रू डिपिक्शन. पूरी दुनिया में जापान जो है वो इस टाइम गाड़ियाँ जो यूज गाड़ियाँ बिक रही हैं जापानीज़ वो उस ऑक्शन शीट के ऊपर ही बिकती हैं, और ऑक्शन शीट गलत होने का सवाल भी पैदा नहीं होता. यस, ये ज़रूर हो सकता है हम ऑक्शन शीट को समझें गलत, हम उसको डिकोड गलत करें, जो वो हमें बताना चाह रही है वो समझ रहे हैं, बिकॉज हमारे मुल्क में मैंने जनरली देखा है कि लोग ऑक्शन ग्रेड से आगे ऑक्शन शीट को कोई वैल्यू नहीं देते, जबकि ऑक्शन शीट के अंदर नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी गाड़ी के बारे में बहुत कुछ जापानीज में लिखा होता है. सिमिलरली ऑप्शन वाली साइड पर भी राइट पर बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्शन जो है ना वो लिखी होती हैं जापानीज में. उसको डिकोड करने का सबसे आसान तरीका है गूगल ट्रांसलेटर जो है, अगर आप उसको जापानीज टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पर सेट करें और अपने फ़ोन का कैमरा इसके ऊपर लेके जाएं, जैसे हम आपको वीडियो में दिखा भी देते हैं, तो आपके अंदर जितनी ये जापानीज लिखी हुई है ना वो आपको सब इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा. जैसे इस ऑक्शन शीट की अगर हम देखें तो इसमें वो हार्ड ड्राइव का आपको बता रहा है कि जी जेन्युइन उसमें HDD TV लगा हुआ है, उसके अंदर जो है आपके पैसेंजर सीट्स एयर बैग्स हैं, उसकी जो तीन रोज हैं वो इलेक्ट्रिक हैं, हीटेड हैं. सो इस तरह की डिफरेंट ऑप्शन जो आपकी गाड़ी के अंदर आती हैं वो सब कुछ आपको जापानीज में उस ऑक्शन शीट में लिखा हुआ है. बट क्योंकि हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि हम सिर्फ ऑक्शन शीट से सिर्फ एक नंबर देखना चाहते हैं कि जी वो चार ग्रेड है, पांच ग्रेड है, ए है या बी है, तो हम इन चीज़ों को गौर नहीं करते. तो पहला तो मेरा आप सबको मशवरा ये होगा कि ऑक्शन शीट जब भी आप लें तो उसको पूरी तरह से पढ़ के उसको डिकोड करके देन डिसाइड कि आप जो गाड़ी ले रहे हैं वो है कि नहीं.
अब आ जाती है दूसरी चीज, ऑक्शन शीट का जेन्युइन और जो उसका फॉर्ज्ड होना। अब ज्यादातर केसेस में होता ये है कि लोग जो है ना स्टार ग्रेडेड होती है ऑक्शन शीट के अंदर। स्टार ग्रेड का मतलब होता है कि उस पर कोई ग्रेड नहीं दिया गया, वो जहाँ है जैसे बुनियाद पर। ज्यादातर एक्सीडेंटेड गाड़ियाँ उसमें आती हैं, उसमें ज्यादातर लो माइलेज गाड़ियां भी होती हैं, बट उनमें किसी में एयरबैग नहीं होता, किसी का एबीएस काम नहीं कर रहा होता, कोई चल नहीं रही होती। वो तकरीबन इस हालत में भी होती हैं कई गाड़ियां, अगर आप तस्वीरों में देख सकें तो आप गाड़ी को देख के पहचान ही नहीं सकते कि वो कौन सी गाड़ी है। उन गाड़ियों को कैसे बेचा जाता है मार्केट में, उनकी फेक ऑक्शन शीट बनाई जाती है। फेक ऑक्शन शीट ये है कि आप एक ऑक्शन शीट को लेके, लेट्स से अगर ये स्टार ग्रेड की ऑक्शन शीट है और उस पर मैं किसी एक्सीडेंटेड गाड़ी का चेसिस नंबर लगा दूं और आपको दे दूं और फोटोशॉप करके प्रिंट निकाल के दे दूं और आपको एक एक्सीडेंटेड गाड़ी बेचने की कोशिश करूं, तो आप उस ऑक्शन शीट को देख के कहेंगे हाँ जी ये चार ग्रेड की ऑक्शन शीट है और इट्स गुड इनफ कार, तो मैं इसको खरीद लेता हूँ। जबकि असल में ऐसा नहीं है, यू शुड ऑलवेज वेरीफाई द ऑक्शन शीट, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन में वो गाड़ी खराब हो सकती है। और मेरे साथ ये कई दफ़ा हुआ है पर्सनली कि आपने गाड़ी खरीदी जापान से, 4.5-5 ग्रेड की गाड़ी ली, वहाँ से निकलते हुए आई कराची पोर्ट पे निकली, वहाँ पे किसी ने लकीर मार दी, यहाँ पे लाहौर अड्डे पे आई तो मेरी गाड़ी के एक दफ़ा बोनेट के ऊपर किसी ने वो बोतल खोलने वाला जो चाबी होती है वो मार दी थी। सो अगेन मैं अगर आपको वही गाड़ी भेज दूँ और मैं कहूँ जी ये 5 ग्रेड की ऑक्शन शीट है, वेरीफाई करा लें, वेरीफाई भी हो जाएगी, बट अब फिजिकली गाड़ी की कंडीशन वो नहीं है जो ऑक्शन शीट पे थी। वो कैसे पता लगेगा, अगर आप उस गाड़ी की ऑक्शन शीट वेरीफिकेशन कराने के बाद उसको सर्टिफाई भी करा लेंगे और PakWheels की सर्टिफिकेशन सर्विस है उसकी मदद से आपको पता लग सकता है कि हाँ जी ये गाड़ी की जो ऑक्शन शीट थी और गाड़ी की अब कंडीशन, उनमें कितना मुमासलत आपस में है या कितना डिफरेंस है। सो ये दोनों सर्विसेज जो हैं ये आप लोगों के अपने यूजेज के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए बनाई गई हैं, ताकि आप जब गाड़ी ले रहे हों तो आपको मुकम्मल तौर पर इन्फॉर्मेशन हो कि आप जो चीज़ ले रहे हो वैसी है कि नहीं है। अब दूसरी बात ये कि जिन केसेज में अगर ऑक्शन शीट जो है फोर्ज की जाती है तो वो उससे कैसे पता लग सकता है। जैसे अगर मैंने एक ऑक्शन शीट है ये, उसको मैंने फोर्ज कर दिया है और मैंने आपको एक जो है स्टार ग्रेड की गाड़ी चार ग्रेड करके भेज दी है, तो PakWheels आपको ओरिजिनल ऑक्शन शीट देगा जिसमें आपको गाड़ी की माइलेज भी लिखी होगी और गाड़ी जिस कंडीशन में ऑक्शन हुई थी वो भी लिखी हुई थी। सो अगर किसी ने मीटर रिवर्स किया है तो वो तो बड़ा क्लियर पता लगेगा कि अगर लेट्स से ऑक्शन शीट पे गाड़ी 60,000 चली और आपको जो ऑक्शन शीट दी जा रही है वो 20,000 है, तो वो तो 100% श्योरिटी होगी कि वो गाड़ी का मीटर रिवर्स किया गया है। कितना रिवर्स किया है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि उसके बाद कितनी चली है। ये एक बेसिकली आपको थोड़े बहुत जो है ना लूप पोल्स जो है उसमें फिर भी रह जाते हैं, बट आपको थोड़े बहुत क्लूज मिल जाते हैं कि गाड़ी की कंडीशन पहले क्या थी। लेट्स से अगर एक गाड़ी जो है वो जापान से निकली और उसका बोनेट पेंट है और आपको जो ऑक्शन शीट दी जा रही है वो टोटल जेन्युइन पेंट किया है, दिस मीन्स वहाँ पे भी गलती है। सो इन दोनों चीज़ों को आप अगर इकट्ठे रख के देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, बल्कि मुकम्मल आइडिया हो जाएगा कि आपको जो है वो धोखा दिया जा रहा है कि नहीं। सो अपने आप को धोखे से बचाएं, इन दोनों सर्विसेज को यूज़ करें ताकि आप जो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं वो एक ऐसी चीज़ पर खर्च करें जिसकी वर्थ भी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे लाइक पर क्लिक करें, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पर क्लिक करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने और अपने गिर्द-ओ-निवाह के लोगों का ख्याल रखें, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।